हेलो, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल टेक महाशय में। तो आज हम बात करेंगे फ्लटर में जो आइकॉन है हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपके अगले वीडियो में मैंने बात की जो सेंटर विजिट है, टेक्स्ट विजिट, जो सब विजिट के बारे में हम बात करें। तो हम अभी बात करेंगे आइकॉन विजिट। तो मैंने जैसे बोला कि फ्लटर में बिल्कुल हर एक विजिट है, आपको पता ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन में आइकॉन कैसे ऐड सकते हैं। तो बेसिकली फ्लटर में एकदम ईजी है, जो आपको फटाक से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम आपको थोड़ा वो पता चले, सबसे पहले मैं लूंगा कंटेनर बॉडी में, कंटेनर को अभी आपको पता है क्या है जी, बेसिकली वो एक बॉक्स है, बराबर है। अभी हम उसमें लेके चाइल्ड, बराबर। अभी अभी आपको पता नहीं है क्या है भाई, तो वो भी मैंने आपको अगले वीडियो में दिखाया था कि भाई चाइल्ड हम ले एक विजिट ही हम उसमें यूज कर सकते हैं, पता है। चलिए तो हम अभी हमें लिखना है इधर आइकॉन। अभी हम आइकॉन के अंदर लिखेंगे आइकॉन्स डॉट। अभी हमें जो भाई लिखना है, भाई मेरा कौन सा मुझे आइकॉन ऐड करना है, वो भाई वो इधर आ जाएंगे, बराबर। इधर सभी में अभी के लिए मैं अभी यूज कर रहा हूँ फेवरेट, ओके फेवरेट। तो अगर आपको पता नहीं है भाई फेवरेट का आइकॉन कैसा है, तो इधर साइड में ऐसा दिखाई देगा, बराबर, कि भाई मुझे ये आइकॉन चाहिए, आ जाएगा जो आपको दिखा। अभी मैं इसको रन करूंगा, ओके, मैं इसको रन करूंगा। आप देख सकते हैं मेरा इधर आइकॉन आ गया, लेकिन मुझे अभी इसको सेंटर में लाने, तो मैंने आपको बताया भाई सेंटर विजिट के अगले वीडियो में मैंने देखा, इसको हम सेंटर कर देंगे, बराबर है। इधर हम इसे इधर वेब सेंटर, ओके, ये सेंटर में आ गया। अभी हम उसको रन करेंगे, भाई सेंटर में आ जा भाई तू, मुझे भाई सेंटर में चाहिए तू। अभी आ गया है सेंटर में, आप देख सकते हैं जो मेरा जो फेवरेट का आइकॉन है बेसिकली। अभी भाई मुझे इसका, अभी लोग बोले भाई इसका मुझे कलर करना है, तो हम कलर भी कर सकते हैं, इसके कलर है, मुझे साइज बड़ी कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको साइज बड़ी करता हूँ, साइज 40। अभी मैं इसको रन करता हूँ, देख सकते हैं इसके साइज भी हमने बड़ी कर दी है। भी अभी बोले भाई मुझे कलर इसका करना है, तो हम कलर भी कलर कलर इसके जो प्रॉपर्टी है कलर, उसमें हम कलर्स पिंक। अभी हम इसको रन करेंगे, देख सकते हैं अभी रन होगा, हो रहा है, अब देख सकते हैं रन हो गया मेरे बेसिकली। एक कैसे होगा रहा है पता है आपको, पता अगर तो अभी आपको पता चल गया होगा फ्लटर में कैसे आइकॉन ऐड करते हैं और किस साइज उसका कलर कैसे लेते हैं। तो चलिए, तो बेसिकली अब आपको पता चल गया होगा कि फ्लटर के यू फ्लटर का हम यूज करके हमारी एप्लीकेशन में आइकॉन कैसे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं होगा भाई मुझे आइकॉन क्या चाहिए, तो मैं आपको एक नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, multi.io करके भी हम आइकॉन आते हैं, हम उसमें जाके देख सकते हैं भाई मुझे ये आइकॉन चाहिए। तो हम उधर आपको थोड़ा इनपुट दिखाएगा, आइकॉन हम ऐड कर रहे हैं और उसका नेम जो आप कभी भूल जाते हैं तो याद कराने के लिए। और अब अगर आपको पता चला होगा भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टेक मास। थैंक यू।